हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का निर्माण एजुकेशनल इंडिया चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मतलब समझेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो नॉलेज एंड करिकुलम कोर्स एट का क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के निर्माण में आधारभूत सिद्धांत रूपरेखा के महत्व को स्पष्ट करें। हमारे पिछले वीडियो में रूपरेखा का वर्णन हो चुका है, आज हम लोग पाठ्यचर्या के निर्माण के आधारभूत सिद्धांत का के बारे में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिद्धांत क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल, आप लोग तो समझते हैं हर चीज़ का प्रिंसिपल होता है, कोई कहता है ना कि भाई ये मेरा प्रिंसिपल है, तो उसी तरह करिकुलम का भी प्रिंसिपल होता है, जिसमें फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट आदि सारी जो विचारधाराएं हैं इनको लेकर तब सिद्धांत बनाया जाता है करिकुलम का। तो पिछले वीडियो को देख के आप लोगों को पता चल जाएगा करिकुलम किसे कहते हैं। करिकुलम ऐसे किताबी भाषा में आप लोग पढ़ेंगे तो करिकुलम क्या है, करिकुलम लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, कुरेरो सब से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, तो हमारा अभी जैसे बीएड क्या हुआ, हमारे लिए दौड़ का मैदान हो गया, तो इसमें मदद कौन करेगा, करिकुलम करेगा। तो करिकुलम हमारे लिए साधन हो गया, और टीचर बनना यानी जॉब करना हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारा साध्य हो गया। तो जब तक हम अपने साध्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम दौड़ लगाते ही रहेंगे। तो उसमें मदद कौन करेगा, करिकुलम करेगा। अब देखिए सिद्धांत के बारे में, किसका किसको मतलब ध्यान में रखते हुए आधारभूत सिद्धांत तैयार किया जाता है। किसी भी समाज के लिए शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्धारण करने में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक विचारधाराओं, सामाजिक मूल्यों, विश्वासों एवं परंपराओं एवं राजनीतिक विचारधारा आदि कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, किसी भी समाज के लिए शिक्षा का जो करिकुलम तैयार किया जाता है तो वहाँ का क्या किया जाता है, इसमें फिलोसफर का रोल होता है, साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है, सोशोलॉजिस्ट का रोल होता है, साइंटिस्ट का रोल होता है, सोशल वैल्यूज को ध्यान में रखा जाता है, वहाँ की बिलीव्स क्या है, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है, आखिर करिकुलम कहाँ के लिए तैयार कर रहे हैं, इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, आखिर कहाँ के लिए। तो इस प्रकार वहाँ के बिलीव्स, ट्रेडिशन, पॉलिटिकल जो बिलीव्स है आदि जो फैक्टर्स है, इसी के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत का सिद्धांत की क्या किया जाता है, प्रिपरेशन होती है। जैसे दार्शनिक विचारधारा के अनुसार करिकुलम का निर्माण समाज के उद्देश्यों को अनुरूप किया जाना चाहिए। हमारे जो फिलोसफर महोदय जी लोग हैं, उनका कहना है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए जो हमारे समाज के यानी सोशल के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी होना चाहिए। ऐसा किसका मानना है, ऐसा फिलोसफर लोग का मानना है। वही देखिए, साइकोलॉजिस्ट विचारधारा के अनुसार करिकुलम के निर्माण के समय सबसे अधिक बल बालकों की रुचि, रुझान एवं योग्यताओं पर दिया जाना चाहिए। अभी जो साइकोलॉजिस्ट महोदय जिलों का जो विचारधारा है कि जब हम करिकुलम निर्माण कर रहे हैं तो उसके आधारभूत सिद्धांत क्या होना चाहिए, बालकों की रुचि होना चाहिए, उसमें आखिर बालक इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं, बोर तो नहीं हो जाएंगे, निराश तो नहीं हो जाएंगे, उनकी एबिलिटी किस प्रकार है, उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। और आजकल आप देख ही रहे है कि जहाँ जाए मतलब कोई भी करिकुलम को ध्यान रखते हुए इसी बाल केंद्रित पे ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वैज्ञानिक विचारधारा क्या कहता है, इसके आधार पर करिकुलम के निर्माण की यानी पाठ्यचर्या के निर्माण की वैज्ञानिक पद्धति के विकास पर बल देना चाहिए। भाई ऐसा साइंटिस्ट हैं तो क्या है, साइंस पे ज़्यादा बल देंगे, उनका कहना रहेगा करिकुलम में क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। और हम लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ पे क्या होना चाहिए, आदर्शों का समावेश होना चाहिए, ऐसा करिकुलम हमारा होना चाहिए जिसमें आइडियल वैल्यूज हो। करिकुलम निर्माण के संबंध में प्रमुख सिद्धांत भारत के विद्यालयों में अपनाए जाए वे जनतंत्रीय भावना के आधार पर होने चाहिए। हमारा जो करिकुलम होना चाहिए, हमारे इंडिया के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर कैसा होना चाहिए, हमारे जो जनता है इनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए
लिए बनाया जाना चाहिए कि किसी भी जाति धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारा देश क्या है, विविधताओं में एकता का देश है। इसके साथ ही आज विज्ञान की तीव्र गति एवं विस्फोट के कारण तथा द्रुत गति से होने वाले नवीन आविष्कारों को देखते हुए यह अपेक्षित है कि विज्ञान तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करने वाले विषय एवं क्रियाओं का समावेश आज के करिकुलम के एक अनिवार्य शर्त होने चाहिए। देखिए, यह हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि आज का जो हमारा करिकुलम है कैसा होना चाहिए। आज का जो हमारे करिकुलम है, तो आजकल नए नए आविष्कार हो रहा है, तो करिकुलम का जो सिद्धांत होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का क्या समावेश होना चाहिए, किसमें जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का भी झलक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारे करिकुलम। इन सारे प्रश्नों का जवाब विज्ञान देता है। आजकल जो हो रहा है टेक्नोलॉजी, देखिए कहा जाता है ना कि आज टेक्नोलॉजी के कारण क्या है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन बन चुकी है। जल से हम विद्युत उत्पन्न कर रहा है, पवन से कर रहा है, गोबर से क्या बायोगैस बन रहा है, तो जो ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इनको कौन इम्पोर्टेंट बनाया है, टेक्नोलॉजी बनाया है, टेक्नोलॉजी कहाँ से पैदा हुआ है, इंसान पैदा किया है, इसीलिए सबसे बड़ा संसाधन किसको माना जाता है, मानव को माना गया है। तो उसी प्रकार हमारा करिकुलम भी होना चाहिए। तो देखिए, करिकुलम के सिद्धांत है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले याद करना होगा आप लोग को, याद कीजिए या समझिए, जीवन से संबंधित, यानी हमारा जो करिकुलम होना चाहिए लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। अब ऐसे करिकुलम ना हो कि उसका जीवन में कोई काम ही नहीं हो। NCF भी कहता है कि भाई स्कूली शिक्षा तो पढ़ाइए, लेकिन बाह्य जीवन से जुड़ते हुए पढ़ाइए। तो यहाँ हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, करिकुलम का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि पाठ्यक्रम में उन विषयों, क्रियाओं, वस्तुओं को शामिल किया जाए जो बालकों के भावी जीवन से एवं वर्तमान जीवन से संबंधित होने के साथ साथ उपयोगी भी हो। हमारा जो करिकुलम होना चाहिए उसमें ऐसी चीज़ों का समावेश होना चाहिए जो हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो। बालकों को उन्हीं विषयों को अध्ययन करने से जीवन में सफलता मिल सकती है जो उसकी वर्तमान रुचियों, आकांक्षाओं एवं योग्यताएं के अनुरूप हो। यानी जो हमारा करिकुलम का सिद्धांत होना चाहिए, बच्चे की उसमें रुचि भी होनी चाहिए, आकांक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी योग्यताओं के अनुसार होना चाहिए, लेवल के अनुसार होना चाहिए। अब प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं तो क्या उनके लिए करिकुलम 10th क्लास का नहीं ना तैयार किया जाएगा, जैसा एज रहेगा अकॉर्डिंग टू एज करिकुलम तैयार किया जाता है। उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान जीवन से संबंधित ऐसी विषय सामग्री एवं क्रियाएं हो जिनका अध्ययन करके वे अपने जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह समझकर सुलझा सके। तो हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, हमें केवल बाहर से ही बस पढ़ना लिखना न सिखाए, बल्कि हमें अंदर से इतना स्ट्रांग बने कि हमारे लाइफ में कितनी भी समस्याएँ आ जाए, इंसान का तो लाइफ स्ट्रगल भरा लाइफ होता है, उससे हम घबराए नहीं, बल्कि हम एजुकेटेड पढ़ने लिखने के साथ अंदर से मजबूत बने, अपने जीवन को की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। और सेकेंड नंबर में शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूपता का सिद्धांत। हमारा जो कैसा होना चाहिए हमारा करिकुलम, शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत होना चाहिए। करिकुलम कैसा होना चाहिए, शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत होना चाहिए। मतलब हमारा जो करिकुलम होना चाहिए उससे हमारा एजुकेशनल जो एम्स है, उसको ऑब्जेक्टिव्स है, उसको पूरा करे। ये नहीं कि भाई पढ़ रहा है कुछ बने नहीं, मतलब बेरोजगार हैं और पैसा के लिए तरस रहे हैं कि भाई क्या करें, तो उस पढ़ाई का क्या काम जो हमारे जीवन में कभी काम ना आए, है कि नहीं। तो ज्ञान भी दे, हमारी समस्याओं से लड़ने के लिए क्षमता भी दे, जिससे हम कुछ आर्थिक रूप से मजबूत भी बने, ऐसा हमारा एजुकेशन होना चाहिए। देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों को पाठ्यचर्या के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य, जैसे हमारा उद्देश्य है टीचर बनना, आप लोग बीएड कर रहे हैं, आप लोग का उद्देश्य है टीचर बनना, तो कैसे पूरा होगा, इसके लिए तो करिकुलम ही जरूरी है। जब हम बीएड करेंगे, बीएड का करिकुलम कम्प्लीट होगा, तभी तो CTET निकालेंगे और CTET में पास करेंगे, तो उसके बाद हम जाके टीचर बनेंगे। तो ये सारी चीज़ों की पूर्ति कौन कर रहा है, हमारा करिकुलम कर रहा है। समय एवं परिस्थिति कौन सा, शिक्षा में सामाजिक उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहता है।
इसीलिए पाठ्यचर्या में उन्हीं विषय एवं क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों को अनुकूल हो। हमारा जो करिकुलम है उसमें उन्हीं चीज़ों का को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो। अगर निरुद्देश्य शिक्षा है तो उसका कोई ऐसा करिकुलम का कोई कोई जिंदगी में हमारा मतलब हमारे जो स्टडी लाइफ इसमें कोई उसका काम ही नहीं है। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य बालकों का शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं चारित्रिक विकास करने के साथ साथ उन्हें किसी उद्योग अथवा उत्पादन कार्य में निपुण करना भी है। मतलब हमारा जो करिकुलम होना चाहिए कैसा होना चाहिए जिससे हमारा मेंटली सोशली कल्चरली मतलब कैरेक्टर मतलब सर्वांगी रूप से हमारा विकास करे, जो हमारे फिजिकल भी हमें स्ट्रांग बनाए, मेंटल रूप से स्ट्रांग बनाए, सोशल रूप से बनाए कि हम समाज में सभी व्यक्तियों के साथ एडजस्ट कर पाए, कल्चरल भी मजबूत बनाए, हमारा मतलब चारित्रिक विकास भी हो, उसके साथ साथ उद्योग और उत्पादन कार्य में भी हम निपुण बन सके, ऐसा हमारा क्या होना चाहिए करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम के निर्माण के उनके लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पाठ्यचर्या को अपनाने के बाद भी छात्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं एवं इससे शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ सकती है। तो हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए? हमारा करिकुलम शैक्षिक उद्देश्यों की अनुरूपता का सिद्धांत को अपनाने वाला होना चाहिए, उसको पूरा करने वाला होना चाहिए। अब हम थर्ड पॉइंट पे चर्चा करेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए? हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। हमारा करिकुलम बाल केंद्रित शिक्षा पर, यानी करिकुलम जब बने तो बालकों को ध्यान में रख के बने कि आखिर बालक उसमें रुचि है कि नहीं, उसमें क्षमता ही है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं, ऐसा हमारा करिकुलम बनना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे बाल शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत पर अर्थात बालकों की रुचि आवश्यकताओं क्षमताओं योग्यताओं मनोवृत्तियों वृद्धि एवं आयु के अनुकूल होना चाहिए। हमारा जो करिकुलम होना चाहिए बालक की उसमें रुचि हो, आवश्यकताओं हो, क्षमताएँ हो, योग्यताएँ हो, उनकी मनोवृत्तियाँ भी शामिल हो, उसमें वृद्धि एवं एज के अनुकूल होना चाहिए, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। सभी विद्यार्थी की रुचि आवश्यकताएँ योग्यताएँ एक समान नहीं होती है, हमें पता है कि हम सारे व्यक्तिगत विभिन्नता होती है हमारे अंदर। अतः पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय विद्यार्थी की रुचि योग्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी उस करिकुलम को अपनाकर अपना विकास कर सके। हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए? व्यक्तिगत डिफरेंसेस को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए जिससे हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। शिक्षा का केंद्र बिंदु स्टूडेंट होना चाहिए, बालक होना चाहिए, इसीलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों में आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए जिससे छात्रों को करिकुलम का पूरा लाभ मिल सके एवं वो एक निश्चित स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के बाद ज्ञान को भली प्रकार अर्जित कर सके। अब हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो करिकुलम का निर्माण का जो सिद्धांत होना चाहिए बालक के अनुरूप ही होना चाहिए। मेन केंद्र बिंदु में कौन होना चाहिए? मेन केंद्र बिंदु बालक होना चाहिए। माने कि करिकुलम है तो करिकुलम क्या है? दौड़ का मैदान है। तो करिकुलम का मेन में बाल सेंटर्ड होना चाहिए, क्या यहाँ पर मेन बालक होना चाहिए। इसी के अनुरूप इसका कोई भी एरिया कोई भी सेक्टर का तैयारी किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग विचार करेंगे विविधता एवं लचीलापन का सिद्धांत। हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए जिसमें विविधता हो? कैसा हो? जिसमें विविधता एवं लचीलापन हो। हमारे मतलब विविधता हम तो अच्छी तरह जानते हैं इंडिया इज अ डाइवर्सिटी कंट्री है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए मतलब रिजिड नहीं होना चाहिए, एकदम कठोर यहाँ पे करिकुलम सिद्धांत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें लचीलापन होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। तो करिकुलम में विविधता में लचीलापन की आवश्यकता इसीलिए भी है जिससे उसे छात्र की रुचि योग्यताओं अथवा विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाए। मतलब करिकुलम जो होना चाहिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, उसमें डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। बालकों पर इसे ज़बरदस्ती नहीं लादना चाहिए। ज़बरदस्ती लादने से क्या हुआ? उनमें निराशा की भावना उत्पन्न होगी और अधिगम क्या होगा? प्रभावित होगा। तो हमारा करिकुलम ऐसा नहीं होना चाहिए।
चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। करिकुलम हमारा कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाए। इसको देखिए क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ लेजर। पाठ्यचर्या इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वो छात्रों को कार्य एवं अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित करें। जैसे छुट्टियाँ हो, छुट्टी हो जाती है तो उस समय भी क्या हो, हम प्रशिक्षित हो, ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। जैसे मैंने कि कार्यक्रम में हिस्ट्री में शामिल है मौर्य एम्पायर, सिक्स क्लास का हिस्ट्री में आपको देखिएगा एनसीईआरटी में मौर्य एम्पायर है, एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि जैसे लौरिया में गढ़ है और वहाँ पे जहाँ जहाँ अशोक का पिलर है, सांची का स्तूप है, मतलब यहाँ बच्चों को ले जाना चाहिए दिखाने। तो उस करिकुलम में रहेगा तो बच्चे क्या इंटरेस्ट लेंगे, हाँ हमारे करिकुलम ये है, इसे हमें पढ़ना है, तो बच्चे दिखने में अच्छा महसूस करेंगे। वहीं सेवन क्लास में आप लोग मेडाइवर पढ़िएगा, उसमें पढ़ना है मुगल सल्तनत काल, मुगल काल के बारे में। तो बच्चे क्या होंगे, दिल्ली जाएंगे तो उत्सुक रहेंगे कि भाई लाल किला दिखना है, कुतुब मीनार दिखना है। तो ये क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड हमारा करिकुलम होना चाहिए जिससे बच्चे छुट्टियों को भी क्या एंजॉय में व्यतीत कर सके। खेलकूद, सामाजिक सौंदर्यात्मक क्रियाएँ आदि, ये क्रियाएँ बालकों को अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करती है। बच्चे खेलते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार का प्रशिक्षण ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अब देखिए हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से तो हर कोई अलग अलग है, इसको ध्यान में रख के हमारा करिकुलम बनाया जाना चाहिए। मनोविज्ञान ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती है, हमारे साइकोलॉजिस्ट ये सिद्ध कर दिए हैं। इसीलिए तो वर्तमान समय में करिकुलम के निर्माण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत का ध्यान रखा गया है। एनसीएफ 2005 से तो हम लोग परिचित है जिसमें कितना डिफरेंसेज, व्यक्तिगत डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। और साथ ही बीएड के बाद आप लोग सीटेट कीजिएगा, उसमें भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, मतलब एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, जरूरी है इसको समझना। क्योंकि प्रत्येक बालक की रुचियाँ, आवश्यकताएँ, योग्यताएँ, मनोवृत्तियाँ एवं बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। हम सभी की अपने घर में ही देखिए, आप 5 या 10 आदमी हैं, क्या सबकी रुचि एक जैसी है, सबकी आवश्यकताएँ एक जैसी है, सबकी योग्यताएँ एक जैसी है? नहीं है। फिर भी क्या हम सभी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। ऐसे ही हमारे देश में सभी जातियों के लोग रहते हैं, सभी कास्ट के लोग रहते हैं, क्लास रूप से अलग है, कास्ट रूप से अलग है, फिर भी विविधता में भी हम लोग क्या है, एकता बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार हमें करिकुलम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। इसलिए सभी के लिए समान करिकुलम की अवधारणा सही नहीं है, अतः व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए, यही हमारे करिकुलम का सिद्धांत होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग ध्यान देंगे 7वें नंबर पे, हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, हमारा करिकुलम सामुदायिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, सामुदायिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, सामुदायिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विथ कम्युनिटी लाइफ। सामुदायिक जीवन से संबंधित का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विथ कम्युनिटी लाइफ, इसका मतलब है पाठ्यचर्या का सामुदायिक जीवन से स्पष्ट संबंध होना चाहिए। पाठ्यचर्या को इस जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या होनी चाहिए एवं छात्रों की इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाना चाहिए। मतलब हमारा जो करिकुलम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, उसमें सामुदायिक जीवन की स्पष्ट झलक होना चाहिए। करिकुलम इस जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए, छात्रों की इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं को भी संपर्क में लाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि करिकुलम के उत्पादन कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि यह कार्य व्यवस्थित मानव जीवन का आधार होती है। यह कार्य क्या होती है, व्यवस्थित मानव जीवन का आधार होती है, बेस होती है मानव ह्यूमन लाइफ का। इसके अलावा करिकुलम स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिए। मानिए कि जैसा मतलब विद्यालय जिस जगह पर
है उसके अनुरूप भी बनाना चाहिए। उसका सोशल वैल्यूज क्या है, वहाँ का क्षेत्रीय रीजनल वैल्यूज क्या है, इसको ध्यान में रख के हमारा करिकुलम होना चाहिए। अब एक नंबर टॉपिक पे हम लोग ध्यान देंगे कि हमारे करिकुलम का सिद्धांत कैसा होना चाहिए, उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी होना चाहिए। इसके अनुसार पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके। हमारा पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके। अगर हमारे मतलब बालकों के जीवन में, भविष्य में या जीवन में काम नहीं आ रहा है तो ऐसा करिकुलम किस काम का, बेकार है वैसा करिकुलम। इसीलिए तो नंद महाराज जी का कहना है, मनुष्य अपने बच्चों को केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए व्यर्थ की बातें सिखाना नहीं चाहता, बल्कि यह चाहता है कि बालकों को ऐसी बातें सिखाई जाए जो जीवन के लिए उपयोगी है। देखिए, कोई भी ऐसे माता पिता पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चों के लिए इसलिए पढ़ा रहे हो कि भाई उनका पढ़ाई को उनका जीवन में कोई काम नहीं है, बल्कि इसलिए पढ़ाते हैं कि ये जो पढ़ाई है, ये जो करिकुलम है, वो उनके बच्चे के लिए भावी जीवन के लिए उपयोगी है। यदि उपयोगिता नहीं है तो कैसा करिकुलम, काहे को करिकुलम, क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है, यह समय विशेष की विचारधारा निश्चित करती है। हमारे लिए क्या उपयोगी है क्या नहीं उपयोगी है तो समय ही बताता है। अब देखिए, पहले क्या था, पहले मतलब जो ये जल था बस पीने का हम लोग काम आते थे, मतलब काम हम के। लेकिन जब इससे बिजली बनने लगी तो क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। गोबर था बस खाद का काम होता, गोबर से हम लोग गोबर गैस बनाने लगे। तो इस प्रकार समय निश्चित करती है कोई कितना वैल्यूएबल है, ये तो समय ही बताती है। लोकतंत्रीय देश में प्रत्येक बालक को अपनी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए। हमारा जो देश है बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे प्रत्येक बालक को अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए, राजभाषा का ज्ञान होना चाहिए, तथा सामाजिक व्यवहार में भी निपुण होना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अब खूब पढ़ लिख ले, सोसाइटी में रहने का ढंग ही नहीं है, तो उस पढ़ाई लिखाई को तो बस शिक्षित उसे नहीं कहा जा सकता, केवल साक्षर कहा जा सकता है। तो जब हम समाज में हर किसी के साथ व्यवहार करना आ जाता है, इसी को तो एजुकेशन कहा जाता है, इसी को तो शिक्षा कहा जाता है, उसी इंसान को तो शिक्षित व्यक्ति कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे व्यापक दृष्टिकोण का सिद्धांत। क्या है हमारा व्यापक दृष्टिकोण का सिद्धांत? हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए? नैरो नहीं होना चाहिए, वन ही जगह पर एकदम सेंटर्ड है, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, बल्कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का हमारे अंदर विकास करे, हमारे अंदर क्रिएटिविटी करे, जिससे एक पॉइंट को कितना प्रकार से सोच सके, एक क्वेश्चन को कई प्रकार से हम जवाब दे सके। तो इस प्रकार हमारा क्या होना चाहिए, व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव एटीट्यूड। पाठ्यचर्या संकीर्ण सोच पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की सोच संकीर्ण न रहकर व्यापक बन सके। इससे वे नए विषयों के संबंध में ज्ञान अर्जित कर सके। उससे क्या हो, विद्यार्थी नए ज्ञान नॉलेज अर्जित कर सके, एक्वायर कर सके। इस प्रकार पाठ्यचर्या को समाज के किसी एक पक्ष तक सीमित नहीं रखना चाहिए, एक ही पक्ष एक ही फेवर में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सोसाइटी, नेशन, इंटरनेशनल लेवल तक का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार करिकुलम यदि व्यापकता के साथ ही आधुनिक दृष्टिकोण पर भी आधारित हो तो छात्रों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार अगर हमारा करिकुलम किसी एक फेवर में न बात करे, बल्कि सारे फेवर को हाथ मतलब सारे फेवर को लेते हुए बात करे, जैसे सोसाइटीज में आ जाए, राष्ट्र आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, तो क्या होगा, हमारे जो बालक है, हमारा क्या होगा, दृष्टिकोण क्या होगा, विस्तृत होगा, विस्तार होगा दृष्टिकोण का। तो ऐसा होना चाहिए करिकुलम का सिद्धांत। 10 नंबर टॉपिक अब समझने का कोशिश करेंगे, संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण होना चाहिए। हमारा जो करिकुलम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, उसमें संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण होना चाहिए। अगर करिकुलम द्वारा हमारा संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण नहीं हो रहा है तो हमारे लिए करिकुलम क्या है, निगेटिव रोल अदा करेगा। क्या करेगा? निगेटिव रोल अदा करेगा।
तो इस प्रकार हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, हमारा करिकुलम संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण का सिद्धांत भी अपनाया जाना चाहिए, उसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्विंग कल्चर एंड सिविलाइजेशन होना चाहिए। करिकुलम के निर्माण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे उन विषय वस्तु एवं क्रियाओं को अवश्य सम्मिलित किया जाए जिससे बालकों को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हो सके। हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाए, सभ्यता के बारे में बताया जाए। और इंडिया का करिकुलम तैयार करना है तो यहाँ पे इंडियन सभ्यता एवं संस्कृति को क्या करना, समावेश होना चाहिए। तभी क्या होगा, सार्थक होगा हमारे लिए और बालक इंटरेस्ट के साथ क्या करेंगे, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। शिक्षा के द्वारा संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण का विकास किया जा सकता है। हमारा एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण का विकास हो सके। तो कैसे संभव हो सकता है, जब करिकुलम हमारा अच्छा रहेगा। अतः करिकुलम इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। अब नेक्स्ट है 11 नंबर, इसमें है 11 नंबर में देखिए क्या है, इसमें सहसंबंध का सिद्धांत। हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, सहसंबंध का सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। सहसंबंध का सिद्धांत, पाठ्यक्रम के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसे सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंधित हो। इसका तात्पर्य यह है कि एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का आधार बन पाए। देखिए हमारा जो करिकुलम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, हमारा करिकुलम क्या होना चाहिए, सहसंबंध का सिद्धांत होना, यानी प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे से कोरिलेट होना चाहिए, ऐसा हमारा पाठ्यचर्या होना चाहिए। पाठ्यचर्या के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंधित है ना, एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे तो क्या होगा, बालक इंटरेस्ट जिज्ञासा के साथ पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का आधार बन जाए, यानी एक सब्जेक्ट पढ़ें तो क्या हो, दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें मदद करें, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। यही कारण है कि वर्तमान समय में जो शिक्षा शास्त्री द्वारा एकीकृत एवं सुसंबद्ध करिकुलम तैयार करने पर बल दिया जाता है। आजकल बहुत जोरों शोरों से हमारे शिक्षा शास्त्री इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारा करिकुलम होना चाहिए सहसंबंध के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। विषयों के संबंध न होने पर करिकुलम की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है, कोई प्रभावशीलता ही नहीं रहती है। अतः करिकुलम निर्माण में सहसंबंध का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करिकुलम निर्माण में क्या है, सहसंबंध मतलब कोरिलेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और आज का शिक्षा शास्त्री इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब इसे हम समझ गए, अब करिकुलम समझेंगे। करिकुलम लास्ट में करिकुलम लिखना बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो हम लोग अच्छा तरह से समझ गए कि करिकुलम का जो होता है फंडामेंटल, उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो निष्कर्ष कहा जा सकता है कि पाठ्यचर्या निर्माण में उपरोक्त सभी सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। पाठ्यचर्या का संबंध केवल सैद्धांतिक विषयों से नहीं जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिसे विद्यार्थी विद्यालय कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक छात्रों के अनेक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन करिकुलम हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे विद्यालय जीवन क्या होता है, करिकुलम हो जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, बस बुक नॉलेज ही प्राप्त नहीं करते, इसमें एक्टिविटी भी होती है, खेलकूद भी होता है, प्रयोगशाला भी होता है, कार्यशाला भी होता है, लाइब्रेरी भी होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी होता है। तो इस प्रकार ऐसा हमारा करिकुलम होता है और पूरा हमारा लाइफ विद्यालय लाइफ करिकुलम बन जाता है। यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क है जो हम लोग समझेंगे। करिकुलम कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल क्या क्या है, एक रिलेटेड विथ लाइफ, इसको याद कर लीजिएगा, रिलेटेड विथ लाइफ, कन्फॉर्मेटिव विथ एम ऑफ एजुकेशन, साइज सेंटर्ड एजुकेशन, वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी विभिन्नता और क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, विविधता और लचीलापन होना चाहिए। प्रिजर्विंग कल्चरल एंड सिविलाइजेशन, यानी हमें सभ्यता संस्कृति के संरक्षण होना चाहिए, ऐसा सिद्धांत होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन से संबंध का सिद्धांत होना चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ लेजर, अवकाश का क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को। कम्युनिटी लाइफ होना चाहिए, सामुदायिक जीवन से भी संबंधित होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। और इस प्रकार करिकुलम कैसा होना चाहिए,
इसी प्रकार हमारा करिकुलम का सिद्धांत होना चाहिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, और जय हिंद जय भारत। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। सब्सक्राइब एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।